हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैसे हेल्प हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जियो सिम की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि आजकल इंडिया में जियो का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसको अब तक लाखों आदमी ने खरीद चुके हैं। पहले जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे इसको आदमी परचेस करते गए तो उसका नेटवर्क डाउन होते चले गए और इसकी स्पीड पर असर देखने को मिला, जिसकी वजह से इसकी स्पीड आजकल बहुत कम आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो टेस्ट करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि आप अपने मोबाइल में जियो की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं अपने मोबाइल में एक स्पीड टेस्ट की एप्लीकेशन पर हूँ, जो आपके मोबाइल की स्पीड को कैलकुलेट करता है कि आपके मोबाइल में कितनी स्पीड आ रही है। जैसे कि मैं लिखा हुआ बिंग टेस्ट, मैं इस पर टैप कर देता हूँ, ये आपकी जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड है वो चेक करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसा है कि आप देख रहे होंगे कि इन्होंने मेरी डाउनलोडिंग की स्पीड को चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कितनी शो करता है। आप देख भी रहे हैं कि डाउनलोडिंग स्पीड बहुत कम दिखा रहा है, 0.14 Mbps दिखा रहा है। अगर दोस्तों मैं अब इसकी अपलोडिंग स्पीड चेक करता हूँ कि कितनी आती है, अब देखना कि अपलोडिंग स्पीड कितनी कम आती है। जैसा कि इन्होंने अपलोडिंग स्टार्ट भी कर दिए, अब देखते हैं कि कितनी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको करके दिखाऊँगा कि स्पीड कैसे इंक्रीज की जाएगी। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इसकी डाउनलोडिंग स्पीड 0.14 Mbps आई और अपलोडिंग स्पीड 0.12 स्पीड आई। दोस्तों, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जो डाउनलोडिंग स्पीड इसकी लगभग 10 Mbps से ऊपर चल जाएगी, आराम से 10, 15, 20, 25 तक चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अपलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। चलो दोस्तों, मैं आपको और दूसरा डाउनलोडिंग करके भी दिखा देता हूँ कि स्पीड कितनी दे रहा है। जैसे कि मैं अपने मैट में जाता हूँ, यहाँ पर इसके मैंने एक मूवी डाउन जो सॉरी एक वीडियो डाउनलोडिंग पे लगाई थी, मैं इसको पोज की थी मैंने, ये लगभग 109 MB की 109 MB की फाइल है। और आप देख रहे हैं कि जो मेरे मोबाइल में जो डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है यूट्यूब में, वो लगभग कितने 20 मैक्सिमम आप 18, 19, 20 KB/s की आ रही है। यानी कि किसी भी जियो मोबाइल के 4G मोबाइल के लिए बहुत ही कम स्पीड आ रही है। दोस्तों, ये स्पीड कम इसी वजह से आ रही है कि इसका ट्रैफिक काफ़ी हो गया है, बहुत लोगों के पास ही सिम आ चुके हैं, जो कंपनी है वो सही से अच्छे तरह से इसका सोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। चलो दोस्तों, मैं अब आपको उसकी ट्रिक बता देता हूँ कि ये सब इंक्रीज कैसा होगा। जैसे मैं इसको पॉज कर देता हूँ इस वीडियो के, ठीक है दोस्तों, और अपने आप सिंपल अपने मोबाइल सेटिंग में जाइएगा। मैं सेटिंग पर टैप करता हूँ और आप मोबाइल में आप अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा होगा सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क, जस्ट आपको उस पर टैप करना है। उसके आप पर जो जियो है उसको उस पर सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, जियो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है और जो ये आएगा इंटरनेट जनरेट, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग है वो चेंज करनी होगी। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है बियर का, अब बियर पे जब क्लिक करेंगे आप देख रहे होंगे कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही अनस्पेसिफाई पे आ रहा होगा। आपको जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा वर्क है। आपको ये एक सिंगल सेलेक्ट हुआ है, आपको जितने भी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं LTE HPSC सबको सेलेक्ट कर देना है, टोटली जितने भी हैं, क्योंकि इससे सारे सेलेक्ट करने से अच्छा ये होगा कि आपके उस टाइम पे जिस तरह से भी स्पीड अच्छी आएगी वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करना है और उसमें जो दूसरी सेटिंग चेंज करनी है, आप जिसे ऊपर जाएंगे जो उसका APN होगा, आप PN पे टैप कीजिए, बस इस जो APN की थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे आपको जिसे जियो नेट लिखा हुआ है, आपको यहाँ से इसको
नेट को माइनस हटा के यहाँ से डाटा लिखना है, जियो डाटा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया है आपका APN न्यू ऐप, ना उसको ओके कर देना। उसके बाद आ दोस्तों आप इसको जिसे यहाँ पर नीचे मोड लिखा है और इसमें सेव का ऑप्शन है, तो मैं इस सेटिंग को सेव कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो कि मेरे मोबाइल में जो इंटरनेट जो उसका APN लिखा हुआ था और जियो नेट लिखा हुआ था और अब जियो डाटा है। दोस्तों अब हम जो स्पीड टेस्ट की एप्लीकेशन थे उस पर वापस जाते हैं और चेक करते हैं कि अब कितनी स्पीड आ रही है। ये मेरा स्पीड टेस्ट है मोबाइल का और अब मैं चेक करता हूँ। ये फिलहाल दोबारा से जो सर्वर है वो फाइंड कर रहा है और मैं बिंग टेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि अब कितनी स्पीड आती है डाउनलोड की और अपलोड की। अब देखते हैं कुछ इंक्रीज हुए नहीं। अब देखते हुए देख रहे होंगे दोस्तों जो इसकी स्पीड है लगभग 10 Mbps की आसपास जा रही है, लगभग 8.5 है अब, और ये 8.78 यानी कि लगभग 9 MB की इसकी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। और अपलोडिंग स्पीड देख रहे होंगे इसकी लगभग नियर अबाउट 3 से ज़्यादा होगी, ये लगभग 3.5 MBps की स्पीड आ चुकी है। दोस्तों आप ऊपर रिजल्ट भी देख सकते हैं इसका, जो डाउनलोड स्पीड इन्होंने यहाँ पर शो कर दिया और अपलोडिंग ये। तो दोस्तों आपने देखा कि इसकी जियो की नेट की स्पीड कैसे इंक्रीज हो गई है। चलो दोस्तों मैं आपको जो मैंने वो वीडियो डाउनलोड पे लगाई थी मैं उसको दिखा देता हूँ कि इसकी स्पीड अब कितनी आ रही है। ठीक है दोस्तों, इससे मैंने डाउनलोडिंग पे वो वीडियो थी, मैं इस पर दोबारा उसका रिज्यूम करता हूँ और आप देख रहे होंगे डायरेक्ट ही इसकी स्पीड जहाँ 20-30 आती है वो लगभग 1 MB के आसपास आ गई है। ये दोस्तों भी थोड़ी कम शो कर रहा है, शायद नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे। ये लगभग 2 MB, 3 MB तक इसकी स्पीड आराम से पहुंच जाते था। आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी से ये वीडियो डाउनलोड हो रही है। जो मैंने ट्रिक आपको दोस्तों ये बताई है ये मेरे मोबाइल में वर्क कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपके मोबाइल में भी काम करेगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के ट्यूटोरियल डेली अपडेट करते रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।